मैं अपने प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर गीता सिन्हा को बुलाऊंगी, जिनके विचारों से हम लोग अवगत होंगे और परिचारिका बहनों को तो बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। गीता दी, गुड मॉर्निंग। मैडम दी तो बहुत एक्सटेंसिव अच्छे से सब कुछ बताई। हमारे यहाँ सबसे पहले है कि वो फीलिंग जो ये है कि लड़की और लड़का, क्यों सबको लड़का लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। दिस इज वन बिग प्रॉब्लम जिसके चलते ये होते चले जाता है। तो जब तक लड़कियों को प्यार नहीं मिलेगा और इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा, हर चीज़ तो बतानी थी है लड़की, तब तक ये चीज़ नहीं सॉल्व होगा। एजुकेशन जब तक माताओं को नहीं मिले, गर्ल्स लड़कियों का एजुकेशन नहीं होगा, तब तक समाज सुधरेगा नहीं। बिकॉज एक पढ़ी लिखी और लड़की पढ़ी लिखी माँ ही अपने फैमिली को संवार सकती है, अच्छे संस्कार दे सकती है। इसलिए लड़कियों का पढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि सरकार को भी हमारे देश में बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है डेमोक्रेसी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं कि कैसे पानी बचे, कैसे अनाज बचे, इस धरती पर कैसे पेड़ बचे, कैसे धरती बचे, ये हम लोग तो सोचते ही नहीं हैं। और हम लोग इतने फ्रीडम के आदि हो गए हैं कि जब तक बहुत कड़ा नियम नहीं बनेगा यूनिफॉर्मली हर इंडियन के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड रिलीजन, ये सुधरेगा नहीं। और नियम तो ऐसा कड़ा होना चाहिए कि दो बच्चा के बाद अगर तीसरा पैदा किए तो तीसरा बच्चा ऑनवर्ड्स वोटिंग राइट नहीं होगा और उनके माँ बाप का भी वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बॉर्न को वोटिंग राइट हो और थर्ड पैदा किए आपका वोटिंग राइट खत्म हो और थर्ड के बाद जितना पैदा किए उनका वोटिंग राइट खत्म हो, है ना। नियम तो इतना कड़ा होना चाहिए। और नियम ये भी होना चाहिए कि एक औरत से पैदा करें तब तक फर्स्ट टू को वोटिंग राइट है, बहुत स्लो प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। और हम लोगों तो जनसंख्या, पानी, खाना, क्यों हम लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टी देते हैं और क्यों इतना खाना बर्बाद जाता है, क्यों खाना खाना इतना ज़रूरी क्यों है। अभी मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हूँ लंदन में, एकदम लिमिट है कि आप ये एक ही उठा सकते हैं, ये भी एक उठा सकते हैं और ये उठा लिए तो वो नहीं उठा सकते, इतना टाइट नियम है वहाँ। मतलब हम लोग खाना पे क्यों जोर देते हैं। बहुत सी चीज़ों को बचाना है, धरती को बचाने के लिए जनसंख्या ही नहीं, बहुत चीज़ों को ध्यान देना है। पेड़ नहीं कटना है, कागज़ इतना क्यों इस्तेमाल होता है, पूरा दुनिया पेपरलेस है, पूरा पूरा हॉस्पिटल पेपरलेस चल रहा है, एक कागज़ नहीं है, कंप्यूटर में सब कुछ है। तो हम लोग को तो बहुत सुधरना बाकी है। थैंक यू।